16,000 तो इंडिया में भी कमा सकते हैं आराम से, बढ़िया से कमा सकते हैं। अपना इंडिया खराब नहीं है, 16,000-15,000 कमा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम आपका फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ एक कंपनी में जहाँ मैं आपको मिलवाऊंगा कुछ जो लेबर का काम करते हैं लोग उनसे। एक कंपनी को चलाने में सबसे ज़्यादा जो मेन हाथ होता है एक लेबर का होता है, तो उनसे कुछ बात करते हैं कुछ लोगों से और उनकी ज़िंदगी की कुछ ख़ास बातें जानते हैं कि एक काम इधर सऊदी में कैसे काम होता है, कैसे वो काम करते हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, ये काम अच्छा है बुरा है जो भी है उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। तो ये हैं हमारे आरिफ भाई, मोहम्मद आरिफ भाई, ये है भाई हमारे अनिल भाई, और ये अबू हनीफा भाई बांग्लादेश से, ये भाई बिहार से हैं, ये भी भाई बिहार से। तो आरिफ भाई कुछ बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में कि लेबर का काम सऊदी में कैसा होता है। भाई लेबर का काम तो अधे कंट्री सऊदी बोला या तो बोले तो बहुत ही हार्ड काम होता है, ठीक है। और ये जो है ना, अपने माँ बाप या फैमिली को छोड़ के इंसान जो इधर आता है तो समझो कि इतना मेहनत करने का मतलब है कि फैमिली होती है, उसके माँ बाप या जो भी उनके शौक़ होते हैं उनके लिए इंसान करता है। और ये सच्ची बात है, मैं हूँ ये कोई लेबर का काम हो चाहे बड़ी पोस्ट का काम हो, मतलब अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए, उनकी ज़िंदगी सही से गुजरे इस वजह से इंसान ये काम करता है। एक लेबर का काम करना है बहुत मेहनत का काम करना, सर्दी में बुखार में कभी कभी तबीयत इतनी ख़राब होती है कि बहुत मुश्किल हो जाती है, तो फैमिली के लिए इंसान करता है। भाई साहब अपने इंडिया में तो ऐसा है कि अपने घर के आजू बाजू या मुंबई दिल्ली में इंसान हो तो उसको समझो कि कुछ हुआ या कोई तकलीफ़ हुआ तो माँ बाप या कोई रिलेशन वाला होता है। या दे कंट्री में ये सिस्टम है कि आप अगर से बीमार भी पैदू पर पड़ गए तो आपका अपना खुद का ध्यान देने का, या तो फिर ये ड्यूटी छोड़ो या आपका पैसा कटाएगा उसमें, बहुत समस्या भाई। या तो पैसा कटवाओ या तो फिर ड्यूटी को छोड़ो, या तो फिर अपनी ड्यूटी छोड़ो, वो ड्यूटी गई, कोई ड्यूटी कंपनी में ज़्यादा ज़्यादा एक दिन की दो दिन की ड्यूटी देखा। नमस्ते वसीम भाई, ये आप आरिफ भाई ने कुछ बताया, आप भी कुछ बताएं, बता सकते हैं क्या बताएं। आरिफ भाई जो बोले हैं वो सही बोले हैं, जो विदेश जो आते हैं अरब कंट्री है जो बाहर काम करने के लिए आते हैं वो अपने घर परिवार बेटा बेटी सब कुछ छोड़कर आते हैं, यहाँ बहुत मुश्किल है। वहाँ बहुत यहाँ काम करने में 10 घंटा हम लोग का ड्यूटी है, 10 घंटा काम करना पड़ता है, बहुत मुश्किल। अगर कोई तबीयत ख़राब हो गया तो रूम में जो है आदमी बस वही देखभाल करेगा अगर मिल कर रहेंगे तो, नहीं तो अपना तबीयत खराब हो या कोई भी चीज़ हो। अच्छा, अपने बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, अपना खाना बनाना बहुत मुश्किल है। अपना बर्तन धो, 10 घंटे की ड्यूटी, फिर ड्यूटी भी करो सारा चीज़, इसके बाद फिर एक महीना काम करो तो वही 1,000-1,200 जो सैलरी आता है आदमी को वही मिलता है। हमारे अबू हनीफा भाई हैं बांग्लादेश के, दोनों भाई बांग्लादेश के, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जी भाई बताएं। जी भाई मैं आया इधर सऊदी में फर्स्ट टाइम आया तो 5 महीना हो गया। मैं कभी मेरे माँ बाप से मैं कई शहर में नहीं गया, कोई दूर में नहीं गया, तो आज ये सऊदी में आया बहुत फर्स्ट टाइम है। रमज़ान आया, रमज़ान में सामने आ गया था तो मेरा पिता फादर है जो मम्मी बाबा है तो मेरे उनके बिना एक भी रोज़ा नहीं रखा, मैंने 7 में रोज़ा रखा था। और वो ईद, एक ईद है ना, 2 साल में 2 ईद आता है तो मैं दोनों ईद मेरे बाबा माँ भाई बहन है ना सबके साथ मैंने वो रखता हूँ। और इधर आया है मैंने एक महीने 5 महीने हुआ ना तो अगला। अच्छा, आपके साथ जो है एजेंट ने चीटिंग की थी ना, हाँ ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसमें जो जैसे 100% कुछ 100 बंदे जैसे काम कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि लोगों के साथ चीटिंग बहुत होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, एजेंट लोग इतना कमीनापन करते हैं कि वो बताते हैं आपको इलेक्ट्रिशियन का काम मिलेगा या आप मस्जिद में अच्छे काम पे जाओगे, मस्जिद में अजान देने के काम पे या साफ़ सफाई का कुछ काम है, और इधर आने के बाद उन्हें काम मिलता है लेबर का। और इधर की कोई गलती नहीं होती है क्योंकि इधर जो वीज़ा जाता है वो लेबर का जाता है, लेकिन एजेंट लोग जो हैं वो ये गलती करते हैं, अपने थोड़े से पैसे के लिए दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो एयरपोर्ट पर जब पहुँचता है बंदा तब उसके हाथ में वीज़ा देते हैं, इतनी देर में अरबी में लिखा होता है सब, ये इंग्लिश में भी लिखा है तो बंदा समझ नहीं पाता है, और वो ये सोचता है कि यार अब तो मैं पूरा पैसा दे चुका हूँ तो पैसा मेरा मुझे वापसी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बंदा मजबूरी में आ जाता है, फिर उसे 2 साल काटने पड़ते हैं। इंसान कहता है मैं 1,00,000 रुपये लगा के 80,000 लगा के आया हूँ तो कुछ कमा लूँ, तो ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। कोई भी बंदा अगर किसी भी काम पे आता है चाहे वो किसी भी पोस्ट पे आए, सबसे पहले वीज़ा देखे, अपने किसी मिलने वाले से पढ़वाए कि मेरी पोस्ट वहाँ पर क्या है, जो एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है सब कुछ जाने, उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर शुरू करे। ज़्यादातर बंदे जो मैं इधर मिलता हूँ लोगों से वो इधर फंसे हुए होते हैं। हमारी एक कंपनी में जिसमें आई इसमें भी भाई के साथ ऐसी हुआ है, इनके भाई के साथ भी ऐसा हुआ है, और एजेंटों से ही भाई गुजारिश है
अपने 4,000-5,000 के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो। क्यों भाई? आपको भी मस्जिद का काम बताया था। मस्जिद का काम बताया था मैंने, बाद में जब मैं इधर आया था तो सुना था लेबर में काम है, तो क्या करूँ, मैं तो 3,00,000-3,50,000 रुपया दे के आया था इधर, तो उठाना पड़ेगा ना। हाँ, अबे भाई भी कुछ कह रहे हैं, अभी भाई आगे आओ। हाँ। ये अबे भाई हमारे, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जी अबे भाई। हाँ, हम इंडिया आजमगढ़ जिला से हैं और यहाँ पर लेबर काम में आए हैं। कंपनी जो कंपनी बताए थे, एजेंट ने कितना पैसा बताया था? एजेंट तो पैसा बताया था वही 85,000। नहीं मतलब रियाल में कितना बताया था? रियाल में बताया था, जो बताया था सैलरी वही यहाँ पर मिल रही है। बाकी सबको भी सेम वही है जी भाई? आपके साथ भी सही हुआ कुछ? नहीं, चीटिंग कुछ गड़बड़ हुआ करता वहाँ का जन, इंडिया का एजेंट लोग क्या करता है, जब पासपोर्ट लेगा तो कहेगा 8 घंटा ड्यूटी है और 1200 या 1300 सैलरी है। बताया था दूसरा बीजा लगाने के बाद, फिर बताया कि ये ब्लॉक फैक्ट्री है। काम बताया था कि पैसा लेने के बाद, पूरा पैसा लेने के बाद जब एग्रीमेंट देता है तो बोलता है इतना घंटा ड्यूटी है, इतना ही सैलरी है। पैसा लेने के बाद पैसा दे चुका होता है तो बंदा यही सोचता है कि इतना किसी ने बेचारे ने अपने माँ बाप से मांगा है, किसी ने उधार कर्ज करा है, किसी ने जेवर डाला, किसी ने जमीन डाली, अपना पैसा देता है तो सोचता भी कैसे वसूल, इस वजह अपना 2 साल बर्बाद करता है। तो भाइयों कहने का मतलब ये है कि बहुत सोच समझ के आए, बुरा नहीं है सऊदी में काम करना। अगर आपको बड़ा कुछ काम करना है, घर बनाना है, शादी करनी है तो आप आए, लेकिन सबसे पहले अपना वीजा देखें किस पोस्ट पे आप आ रहे हैं, वो ही काम मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा पहले पक्का कर लें, उसके बाद ही सऊदी में या किसी भी कंट्री में आए। कंपनी कोई बुरी नहीं होती है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत बुरे बेचारे फंस जाते हैं, कुछ लोग इधर बुरे हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छा ही होता है। लेकिन सोच समझ के बंदा नहीं आता, जल्दबाजी कर देता है। अपने रिश्तेदारों से लोग नहीं पूछते कि मुझे जलेगा, मुझसे नहीं बताएगा, तो जो आपका रिश्तेदार दोस्त है पहले सऊदी में उससे राय लें, सऊदी में कतर में कहीं पे भी, उसके बाद ही कंट्री में दूसरी में। क्यों भाई? सही कह रहा हूँ मैं? नहीं और वसीम भाई, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि इंडिया से कोई बंदा अगर आता है लेबर में तो कम से कम जो एजेंट है उससे कागज पर लिखवा ले कि भाई कौन काम में तुम भेजोगे, ये सही बात, कितना पैसा लोगे, जबकि पैसा तुम दोगे जाने के पैसा, सऊदी जाने का पैसा, तो उस समय जो एग्रीमेंट बन देगा तो उसमें कम बेसी कर देता है। तो आप पहले उससे एग्रीमेंट करवा ले, उससे करवा ले कि मैं 85,000 दे रहा हूँ, मुझे सऊदी भेजोगे जिधर जिधर भेजना है, दुबई भेजना, जिधर भेजना है उस जगह का नाम लिखवाओ और काम क्या है वो लिखवाओ, उसके बाद उसको पैसा दो 80,000-85,000 जितना भेजना है उतना पैसा दो। और कोई गड़बड़ होता है तो विदेश जान आओ, विदेश से फिर वापस इंडिया चलो, गड़बड़ होता है तो, और उससे पैसा लो, काम नहीं करो वहाँ पे। हाँ, तो कहने का मतलब ये भाइयों, सुबह सोच समझ के आए, अपना कोई रिश्तेदार है उससे पूछें, और 1500 रियाल सैलरी है, 1200 किसी की सैलरी है तो उसमें बंदे को अपना मोबाइल का खर्चा, खाना पीना 300-400 रियाल ऐसे ही उठ जाते हैं, तो क्या बचाएगा इंसान? इधर तो खाना मिलता है ना। एक मिनट, यहाँ पर यह है कि अगर 1100 सैलरी है तो कम से कम खाना का 250-300 जाएगा। अच्छा, एक महीने का खाने का, एक महीने का जो खर्चा है 250 से 300, और मोबाइल अलग, मोबाइल अलग है, यानी कितना खर्चा हो जाएगा, कम से कम कितना खर्चा, कम से कम कितना कम करेगा तो 350-400 रियाल खर्चा होगा, बचेगा कितना, अगर 1200 सैलरी है तो बचेगा कितना, 800 रुपया, तो 800 में इससे अच्छा तो भाई अपना इंडिया में 16,000 हुआ, 16,000 तो इंडिया में भी कमा सकते हैं आराम से, बढ़िया से कमा सकते हैं, अपना इंडिया खराब नहीं है, 16,000-15,000 कमा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी में अभी जो हम लोग है, हम लोगों को तो अभी खाना फिलहाल में मिल रहा है, बाकी आते सऊदी में बहुत ऐसी जो कंपनी है जिसमें खाना नहीं मिलता है, जिसकी सैलरी मैक्सिमम कितना 1100 या 1200, अगर से उस बंदे का अगर से पॉइंट लीजिएगा तो मेरे ख्याल से वो इंडिया का अगर से कोई भी अपने देश का हो तो उसको कितनी 1500-1600 रुपया कमाता हो, जो अधे वो अपने कंट्री में खुद कमा सकता है उतना, और भी प्लस 2 साल के लिए यहाँ एग्रीमेंट के साथ है उसको इधर रहना ही पड़ेगा, तो इसे रहने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं होता। सऊदी में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अभी, 1 साल, 1 साल तक आप काम करना है करना चाहते हैं करें, नहीं जाना चाहें तो जा सकते। ये देखें, ये पैलेट बोलते हैं जो तबलिया है, ये तबलिया पे ये ऐसे ये बलदूरा रखा जाता है, इधर कोई मेहनत का इतना काम नहीं है, और उसको वो पॉलिथीन मार देता है, वो फोर क्लिप की जो वीडियो आपने देखी थी, फोर क्लिप उठा के गाड़ी पर रख देती है, कोई इतनी मेहनत का काम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल है, जब बाहर इंसान काम करता है तो ना उसके घर पर दिवाली है ना उसके घर पर ईद है,
तो भाइयों वीडियो का निचोड़ बताएं आप, तो आप लोग कुछ मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं के भी जो लोग हैं? यही देना चाहते हैं भाई साहब कि ये जो नया लोग बंदा आते हैं काम करने के लिए, वो सही अपना एजेंट से सही से बात कर ले, इसके बाद पैसा दे, पासपोर्ट दे, क्योंकि पैसा पासपोर्ट देने के बाद जब आप वहाँ से जाइएगा तो आपको सैलरी कम बताएगा, काम भी बताएगा, थोड़ा ये वो है। इधर आने के बाद करना ही पड़ेगा, इधर आ गए तो फिर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वापस फिर अगर जाइएगा तो एजेंट लोग पैसा नहीं देगा, 50,000 देगा, कभी देगा 10,000, कभी मिलेगा नहीं, जलील बनाएगा बहुत। हाँ, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर से कोई भी वहाँ से आ रहा है तो वो पहले वो तहकीकात करे और एजेंट से सबसे पहले अगर से उनके कोई कॉन्टेक्ट में है वहाँ पर आजू बाजू में तो उसे तहकीकात कर ले, उसके बाद वो आने का प्रयास करें। अब या अगर से एजेंट आपको बोल दिया कि तुम जाओ अच्छा काम है, अगर से बाय द वे तुम चले आए लेबर के काम में तुम फंस गए तो फिर तुम यहाँ से निकल नहीं सकते हो, अगर से कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा करना पड़ेगा, ये यहाँ का रूल है विदेश का। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भाई साथ देने के लिए। कैसे भाई, ठीक है? ठीक है, ठीक है भाई। तो दोस्तों आपने इन लोगों को सुना, मेरी जॉब हो चाहे एक लेबर की जॉब हो चाहे किसी की भी जॉब हो तो बहुत सोच समझ के आएँ, और परदेश परदेश होता है, अपनी फैमिली को छोड़ के सबको छोड़ के बहुत बड़ा दिल चाहिए बाहर रहने के लिए। छोटी सी परेशानी आ रही थी तो बंदा रोने लगता है, मैंने बड़े बड़े तुर्रम हाँ जिन्हें बोलते हैं अपनी आँखों से मैंने रोते हुए देखा है बंदे को, लेकिन इंसान अपनी फैमिली को ये बातें नहीं बताता है। उनके सामने एक मर्द अपनी बीवी के सामने रोता है, बच्चों के सामने रोता है, अच्छा नहीं लगता है, तो अकेले में घुट घुट के रोता है। तो अपनी फैमिली से भी लोगों की यही गुजारिश है कि जो बंदा आपकी फैमिली का, चाहे आपका बेटा हो, भाई हो, बाप हो, जो आपके लिए बाहर पड़ा हुआ, मैंने देखा लोग उधर ऐसी ऐसी डिमांडें कर देते हैं कि पापा ये लाना वो लाना, उन्हें नहीं पता कि बंदा बाहर कैसे काम कर रहा है। मैंने देखा है कि लोग इधर बहुत परेशान हो रहे हैं, गर्मी में बेचारे हैं और सर्दी इतनी काम कर रहे हैं, लेकिन घर वाले डिमांड कर देते हैं, तो उनका दिल ना दुखाएं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत करें। दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी आए ना तो वो दिल्ली के जो नज़दीक हैं या पाकिस्तान के हैं तो उनका जो बड़ा ऑफिस है उनके पास ही, अपने यहाँ बम्बई है, दिल्ली है, वहाँ ऑफिस से डायरेक्ट आए। कोशिश ये करें कि किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, वो आपसे 25-30,000 एक्स्ट्रा ले लेगा और आपको फंसवाने का काम करेगा, ऑफिस वाला आपको पक्का काम बताएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो काफ़ी इमोशनल वीडियो है, इस पर बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबी वीडियो बन सकती थी लेकिन लोगों के पास भी टाइम नहीं हो, हम इतनी लंबी वीडियो में डाल भी नहीं सकता। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।